तो वहीं आज के चुनाव नतीजों में हिमाचल के अंदर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है और इसको लेकर के अब कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को 68 में से 39 सीटें मिली हैं, बीजेपी ने 26 सीटों पर ही जीत दर्ज की है। आपका खाता हिमाचल प्रदेश में नहीं खुला है, तो बड़ी जानकारी है, हिमाचल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। 68 में से 39 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा है, बीजेपी की यहां पर हार हुई है। आम आदमी पार्टी का खाता हिमाचल प्रदेश में नहीं खुला है, तो ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस को 68 में से 39 सीटों पर जीत मिली है, ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है हिमाचल प्रदेश के चुनाव के अंदर, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 26 सीटें ही मिली हैं यहां पर, तो ये बड़ी जानकारी है। बीजेपी ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की है और 68 में से 39 सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला है, ये बड़ी जानकारी है। ये हिमाचल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत पा लिया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में मिली जीत के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने जीत के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी जताया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपका मकसद सिर्फ कांग्रेस का वोट काटना है, हिमाचल में वोट काटने वाले एक्सपोज हो गए हैं। ये बात पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कही गई है, आपका मकसद कांग्रेस का वोट काटना है, जनता ने आम आदमी पार्टी को पहचान लिया है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कही गई है। तो हिमाचल में जीत के बाद भूपेंद्र हुड्डा का ये बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को पर निशाना साधा है, आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ वोट काटना है, ये बात भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा कही गई और हिमाचल में वोट काटने वाले एक्सपोज हो गए हैं। इस बात को भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है, आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए ये बड़ा बयान भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा दिया गया। तो वहीं हिमाचल में मिली कांग्रेस की जीत के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो वोट काटू आए हैं उनका एक्सपोजर हो गया, तो आप पार्टी नाम का कोई वाहन जहां भी चुनाव लड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ कांग्रेस की वोट काटने का था। वो लोगों ने सिर्फ उनका मकसद ये था कि कांग्रेस की वोट काटें, जैसे हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था, कोई मकसद नहीं था, उनको चाहिए था सारे विपक्ष एक होके जहाँ पे लड़ाई लड़े। वो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जब उनको उम्मीद दी थी, जमानत करवाई, 3,000 वोट आई, लेकिन जितनी वोट काटते हैं कांग्रेस की वोट काटने का उनका नियत रहता है। हरियाणा में तो पहले ही आपने देख लिया, आदमपुर से साफ है, आने वाले चुनाव में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये हिमाचल जो है पहाड़ों में बसा हुआ है, ऊंची जगह बसा हुआ है, ऊपर से आप पत्थर मारोगे नीचे जाएंगे, ऊपर आवाज जाओगे तो सब जगह जाएगी, नीचे से आवाज मार दो ऊपर नहीं जाती है। तो इस वास्ते यहाँ वहाँ की जो फैसला लिया लोगों ने, पूरे देश में इस बात का असर रहेगा।